नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है AMS डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे से बात करते थे कि AMS डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल की एक्टिविटी क्या होती है, किस तरीके से स्टूडेंट रहते हैं। तो आज हम एक विजिट करा रहे हैं आपको AMS डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल में, जो बिल्कुल शहर के बीचों बीच एकेडमी के बिल्कुल पास है। तो कुछ स्टूडेंट से बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम विजिट कर रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट अगर बाहर से अंदर आते हैं और किस तरह का माहौल होता है, क्या रहता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे हम आपको बता दें, जैसे ही कोई भी स्टूडेंट एंटर करता है तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक गार्ड रहता है जो लगभग 24 घंटे यहीं पे रहता है। तो गार्ड साहब, क्या नाम है आपका? मेरा ध्रुव सिंह है। ध्रुव सिंह है, तो आप क्या यहाँ 24 घंटे ड्यूटी होती है या आप सुबह 2-3 घंटे के लिए आते हैं, क्या रहता है? 24 घंटे ड्यूटी रहती है। तो बच्चा अगर यहाँ से बाहर जाता है तो आप किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? सर, उनके नाम, रूम नंबर, जाने का समय सर। ओके, देखिए एक बार थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक बार जूम करेंगे कि कोई भी बच्चा यहाँ पर जाता है तो यहाँ पे डेली एंट्री रजिस्टर होता है, और डेली एंट्री रजिस्टर में जो भी बच्चा बाहर जाएगा उसका नाम, उसका रूम नंबर, वो किस रूम से है, उसका टाइम आउट, उसका पर्पज, उसके सिग्नेचर, और बेसिकली गेट कीपर के यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं। तो ये तो बात हो गई है कि आप बच्चा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है या कोचिंग सेंटर में जा रहा है, लेकिन जो बच्चा घर पे जाता है तो आप किस तरीके से इन्फॉर्म करते हैं उसके लिए? ये रजिस्टर है, ये स्टूडेंट का यहाँ नाम। अच्छा, स्टूडेंट का यहाँ नाम रहता है, यहाँ उनका जी फोन नंबर और पता है। ठीक है। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे भी एक प्रयास किया गया है जिसमें इसको बोला जाता है होम रजिस्टर। होम रजिस्टर में बच्चे का नाम, वो कौन से रूम से है और वो कब कब कहाँ कहाँ जा रहा है, और किस, उससे पेरेंट से पहले गेट पास मिलता है और पेरेंट से पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका बच्चा यहाँ से चल रहा है। जब वो बच्चा यहाँ से चलता है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, और एक गेट पास है उसकी एक कॉपी हॉस्टल मैनेजमेंट के पास रहती है और एक कॉपी हम स्टूडेंट को देते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इस तरह का हमने कोशिश की है एक अरेंजमेंट की, ताकि जो भी बच्चा बाहर जाए उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो और पेरेंट्स को भी इसका एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, हमारा बच्चा सही हाथों में, एक सही जगह है। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि यहाँ पर हर जगह हमने कोशिश की है कि हर जगह हमने सीसीटीवी कैमरा, चाहे वो मैस वाला सेक्शन है, चाहे वो स्टेयर्स वाला सेक्शन है, चाहे वो कोई भी रूम है, चाहे आउटसाइड है, चाहे खाना कैसे बन रहा है। देखिए, बहुत बार होता है, आपने कई मैस में देखा होगा, खाने की जगह पे आपका कैमरा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे खाने की जगह भी कैमरा है कि खाना कैसे बन रहा है, क्या क्या सामान है, किस तरीके से है। तो वो सारा का सारा, कल कोई भी बात है तो आपके पास एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा एक श्योरिटी रहती है कि यहाँ जो भी हो रहा है वो ठीक रह रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो AMS डिफेंस एकेडमी को और अकेडमीज के हॉस्टल से अलग बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ स्टूडेंट से भी बात करेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर पानी की सुविधा कैसे है। तो पहले हम एक बार वार्डन सर से मिलवा देते हैं। तो वार्डन सर, एक बार आइए प्लीज़। हमारे साथ यादव साहब हैं जो यहाँ पे पूरा का पूरा हॉस्टल वार्डन का काम करते हैं, और ये यहाँ पर फादर का रोल भी प्ले कर रहे हैं, मदर का भी करें, पूरी फैमिली का रोल प्ले कर रहे हैं। हमने कई बार देखा है कि रात को बहुत सारे बच्चे, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो ये उनको चाहे दवाई देनी है या किसी हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो इनका रोल बहुत बड़ा रहता है, और इनको लगभग 15 से 16 साल का इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो थोड़ी सी बातें करेंगे। तो वार्डन साहब, किस तरीके से, क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको, ये लीजिए, क्या क्या दिक्कतें आती हैं बच्चों के साथ, या क्या रहता है यहाँ पे कभी कभार आपको? बच्चों को सर कभी दिक्कत अगर आ गई, उनको बुखार है या और कोई दिक्कत हो गई, तो सर उनके लिए तो जो पहला पेरेंट्स मैं ही हूँ, अगर कोई परेशानी होती तो पहले मैं ही हैंडल करता हूँ, और अकेडमी से जो है बातें करके जो है सर भी तैयार रहते हैं, डायरेक्टर सर, कभी कोई इस तरीके की कोई दिक्कत हो तो फ़ोन उसी टाइम उठा लिया जाता है, और जो अपने फर्स्ट
ट्रीटमेंट वो देना है या कहीं ले जाना है तो उसके लिए जो हम अटल तैयार रहते हैं सर। और सबसे पहले पेरेंट्स तो दूर हैं, इनके साथ तो हम हर दिन। तो बच्चा जब, यादव साहब, बच्चा जब यहाँ से, घर से यहाँ से जाता है तो आपका ये एंट्री एग्जिट वाला क्या है, लाइक आप कोई गेट पास वाला सिस्टम बताते हैं, वो गेट पास वाला क्या सिस्टम रहता है? गेट पास पे सर होम के, होम का अलग रजिस्टर है, उसमें इनकी एंट्री होती है, विलेज पोस्ट ऑफिस, फ़ोन नंबर, और फिर पेरेंट्स से उनके जो है बात की जाती है जब इनको जो है घर पे भेजा जाता है, और प्रॉपर एंट्री इनकी अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड होती है, और विद CCTV कैमरे में जो है बच्चा कब निकल रहा है, कब कैसे जा रहा है, कहाँ, सारी। ठीक है, चलिए वार्डन साहब आ जाइए एक बार, मुझे यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पानी की सुविधा है, तो यहाँ पे एक आरओ लगा हुआ है, एक बड़ा आरओ लगा हुआ है, और यहाँ पे साथ में वाटर कूलर भी है, तो वाटर कूलर के साथ आरओ और पूरा का पूरा ये एक सिस्टम बना दिया गया है, अगर बच्चों को पानी पीने की थोड़ी सी कोशिश रहती है तो वो अपनी वाटर बॉटल्स भर के ठंडा पानी यहाँ पीने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे, ठीक है, क्या किस तरह का यहाँ पे खाना मिलता है या किस तरह की प्रॉब्लम है, हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे। एक बार रूम्स में चलते हैं कि बच्चों का क्या है, किस तरीके से है, बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं, फिर हम बच्चों से एक इंडिविजुअली बात करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, हम कुछ स्टूडेंट से यहाँ पे बात करेंगे कि उनको किस तरह की हॉस्टल की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पढ़ाई होती है, क्या होता है, तो हम स्टूडेंट से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हाँ जी, क्या नाम है आपका? तुषार नाम है सर। तुषार है, तो तुषार बताइए कि आप इस हॉस्टल में कब से हैं और यहाँ किस तरह का आपका एनवायरनमेंट लगता है, क्या है, थोड़ा सा यहाँ के हॉस्टल के बारे में बताइए। आई एम फ्रॉम झज्जर और मैं लास्ट 1 ईयर से यहाँ पर रह रहा हूँ, और यहाँ पर मतलब डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है, वार्डन सर है, और मैंने यहाँ पर NDA की कोचिंग ली थी जो मेरा अभी क्लियर हो गया रिटर्न, और मैं अब SSB की कोचिंग ले रहा हूँ। अच्छा, क्या आपका NDA का एग्जाम क्लियर हो चुका है? राइट, अभी आप SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा बताइए शेड्यूल क्या रहा? देखिए, आपने NDA का एग्जाम क्लियर किया, आप सुबह कितने बजे उठते थे, क्या कोई फिजिकल एक्टिविटी या किस तरीके से रहा, हम आपसे पता करना चाहेंगे। सर सुबह 5 बजे उठ जाते थे और फिर यहाँ पर कोच सर हमें फिजिकल के लिए ले जाते थे, वहाँ पर हम फिजिकल करने के बाद वापस आते थे, उसके बाद हम अपने नहाना करते हुए, नहाने के बाद ब्रेकफास्ट करते, उसके बाद अकेडमी पर जाते थे। ठीक है, तो एक और स्टूडेंट से बात करेंगे, तो क्या नाम है आपका, एक बार बताइए? आकाश। आकाश, तो आकाश कहाँ से आए आप? भिवानी से सर। भिवानी से, तो आकाश भिवानी से आप आए, कि आपको भिवानी में कोई इस तरह की एकेडमी नहीं लगी, आपको क्या अच्छा लगा कि आप भिवानी से हॉस्टल में रह रहे हैं? सर मैं वहाँ भी गया था, वहाँ एनवायरनमेंट और जो टीचर थे अच्छे नहीं थे सर, पर यहाँ देखा तो बहुत अच्छे मिले हमें, एनवायरनमेंट भी और पढ़ाने वाले सर भी बहुत अच्छे लगे। तो अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप? GK पढ़ रहा हूं सर। अच्छा, GK पढ़ रहे हैं, देखिए क्या नाम बताया आपने? आकाश। आकाश, देखिए आकाश एक स्टूडेंट आए हैं जो भिवानी से आए हैं, और भिवानी में भी बहुत सारी एकेडमीज हैं, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट इनको नहीं सूट करा, तो ये पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर हैं और लगातार पढ़ाई करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि पहली बार में ही ये एयरफोर्स या NDA का एग्जाम क्लियर कर दें। एक और स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राहुल नाम है मेरा। राहुल, राहुल आप कहाँ से हैं? मैं चरखी दादरी से हूँ। अच्छा, चरखी दादरी से हैं, तो राहुल क्या आप, जैसे आपने क्या अलग लगा यहाँ पे हॉस्टल में आप रह रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे स्टूडेंट है, या खाना किस तरीके का है? एनवायरनमेंट वाइज मैं बताना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट यहाँ पर अच्छा है, और खास करके डिसिप्लिन के लिए, मैंने कुछ और अकेडमीज को भी चेकआउट किया था लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और अनदर रीज़न था कि मुझे यहाँ पर एयर कंडीशनर कहीं नहीं मिल रहा था, तो फिर मुझको वो भी फैसिलिटी यहाँ पर मिली। ठीक है, तो आपको AC रूम्स का था, थोड़ा सा आप डिस्कम्फर्ट फील करते थे, तो आपको AC की फैसिलिटी मिली है, तो ये एक और रीज़न है जो आपको लग रहा है कि आपने हॉस्टल ज्वाइन किया है। ठीक है, एक और स्टूडेंट से बात करेंगे, तो क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन कहाँ से आप? सर पानीपत से हूँ। आप पानीपत से हैं, तो पानीपत में बहुत सारी एकेडमीज हैं नितिन, तो यहाँ पे आके हॉस्टल में रहने का प्लान कैसे सोचा? पहले वहाँ पे ट्राई किया तो फिर वहाँ पे अच्छा लगा था, वहाँ पे कोई भी शेड्यूल नहीं था। अच्छा, रूटीन वर्क था यहाँ पे, अच्छे से डिसिप्लिन होता है और बच्चे का ध्यान रखा जाता है सर, सुबह उठाया भी जाता है। सुबह कितने बजे उठते हैं नितिन आप? सुबह 5:30 बजे वार्डन सर उठाने के लिए आते हैं। 5:30 बजे उठाने के लिए आते हैं। 6 बजे सर ग्राउंड में ले जाते हैं। आप ग्राउंड में कितने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं?
सर मुझे एक साल हो गया यहाँ पर। एक साल हो गया, तो क्या लग रहा है एक साल से आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किस एग्जाम के लिए आपने कोई एग्जाम दिया अभी? जी सर मैंने एयरफोर्स के लिए एग्जाम दिया था। अच्छा, तो पीछे काफी टाइम से जो एयरफोर्स का एग्जाम नहीं हो रहा है, तो आपने हिम्मत नहीं आ रही है, आप लगातार फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी आने वाला और कौन कौन सा एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? एसएससी के लिए एग्जाम के लिए मैंने तैयारी करने की स्टार्ट की है, जिसे मेरा बेस अच्छे लिए बन सकता है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एमएस से मैं नौकरी लेकर निकलूँ यहाँ से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो हम चेक कर लेते हैं एक बार खाने की क्वालिटी क्या है, और स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि खाना किस तरह का मिल रहा है, ये सारी बातें करते हैं। कुछ स्टूडेंट खाना खा भी रहे हैं, तो खाते खाते हम स्टूडेंट से बात करेंगे, ठीक है? हाँ जी, क्या नाम है? अंकित सर। अंकित, तो अंकित आज खाने में क्या है? पनीर, मटर पनीर। अच्छा, मटर पनीर है, ठीक है। खाना बताइए, आप बिल्कुल एग्जैक्ट रिव्यू दीजिए कि खाना किस तरीके से मिलता है, किस तरह का डिसिप्लिन है। देखिए मेनली जब स्टूडेंट बाहर से आता है तो खाना उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो खाना कैसा है यहाँ का, और किस तरीके से आप उसको क्या, किस तरीके से आप एक मार्क देना चाहेंगे कि किस तरीके का खाना है, कैसा है कि ऐसा नहीं है, खाने की क्वालिटी किस तरीके की है? खाना सर बिल्कुल घर जैसा है, डेली अलग अलग सब्जी मिलती है, रोटी भी बहुत अच्छी है, सलाद लस्सी डेली अलग अलग प्रकार की सब्जियां और खाना मिलता है। तो वो एक और स्टूडेंट से बात करते हैं, वो बताएंगे आपको कि किस तरीके का खाना है, क्या है, और किस तरीके से रहते हैं, क्या है। तो ब्रेकफास्ट में क्या कभी दलिया मिलता है यहाँ पे? दलिया मिलता है। तो हॉस्टल में कभी दलिया नहीं मिलता है, तो ये किस तरह का हॉस्टल है? दलिया आपको क्या लगता है कि दलिये का कैसे कोई फायदा होता है या नहीं होता है? सर सुबह अच्छा फायदा होता है, हम प्रैक्टिस करके आते हैं सर, तो अच्छा फायदा होता है इसको। अच्छा चलिए भाई, थोड़ी सी बात करते हैं कि ऐसा होता है कि बहुत सारे आपको हॉस्टल में देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्टल्स में आपको लगता होगा कि भाई सिर्फ पराठा या पराठे पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर डाइट बनी हुई है कि जिसमें अगर आप बात करें सुबह कभी बनाना शेक मिलता है, कभी चना मिलता है, कभी आपको मंगलवार को, जैसे आपने यहाँ हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो स्टूडेंट फास्ट रखते हैं तो उनके लिए खीर भी मिलती है, और एक दिन यहाँ पे स्टूडेंट को देसी घी का हलवा भी दिया जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं और इस तरीके से हर स्टूडेंट का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो एक 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 हॉस्टल में एक यूनिक और चीज़ है, मैंने जैसे आपको बताया कि सुबह 5:30 बजे स्टूडेंट्स को उठा दिया जाता है, उसके बाद ग्राउंड पे रिटायर्ड आर्मी कैप्टन कैप्टन एस के सिंह हैं, वो यहाँ पर उनको फिजिकल की ट्रेनिंग कराते हैं, फिर उनकी क्लासेस होती हैं, और क्लासेस के बाद फिर स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी के लिए भेजा जाता है। तो काफ़ी अच्छे एफर्ट्स किए गए हैं एएमएस डिफेंस एकेडमी के मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि हर स्टूडेंट को एक फील आए कि वो अपना जो घर छोड़ के आया है उसको इस घर के अलावा एक और घर मिलता है। और बहुत सारे जैसे वार्डन सर हैं, कुक हैं, तो वो हमें आप एक फैमिली जैसा ट्रीटमेंट और विद सिक्योरिटी यहाँ पर मिल रही है। तो फिर कभी और स्टूडेंट से बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।